स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, हमने चार क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए हुए हैं। तो आज हम फिफ्थ क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल है। जैसे कि आपने टॉपिक्स में भी डिस्कस किया हुआ है कि रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से होता है, विदाउट थिंकिंग होता है, इनवॉलेंट्री जो एक्शन हम करते हैं तो उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जिसमें कोई थिंकिंग का कोई रोल नहीं रहता है। तो अगर थिंकिंग का कोई रोल नहीं है तो ब्रेन का भी इसमें कोई रोल नहीं आता है। लेकिन फिर भी बोलता है कि रिफ्लेक्स एक्शन से हम ब्रेन में फिर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, यानी इसके उसके बाद भी आपका अगर कोई रोल रहता है तो ब्रेन का क्या रोल रहता है। तो ये देखिए इसका सोल्यूशन। रिफ्लेक्स एक्शन आर फॉर्म्ड इन इंस्टेंटली इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई दैट हैज़ नो टाइम टू थिंक। ये उस एक्शन उस उन रेस्पॉन्स उस स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स होता है, स्टिमुलस उस स्टिमुलस का जो बाहर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आती है उसका रिस्पॉन्स होता है, जिसका हमें सोचने का कोई टाइम नहीं होता। अगर यदि कोई ऐसा स्टिमुलस हमें मिला, ऐसी कोई चेंज बाहर से एनवायरनमेंट में हुई कि जिसके बारे में हमको सोचने का टाइम ना मिला और हमको क्या करना पड़ा, उसके बारे में कुछ एक्शन हो गया, सोचे बिना ही कोई एक्शन हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे है कि सेंसरी नर्व्स दैट डिटेक्ट द हीट, जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, हीट को डिटेक्ट करती हैं, यानी पहचान लेती हैं। आर कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव टू द मसल ऑफ द हैंड। तो वही नर्व्स जैसे हमने रिफ्लेक्स आर्क में पढ़ा था, हमारी सेंसरी नर्व्स जो कि हीट को डिटेक्ट करती हैं वो किसके साथ कनेक्ट होती हैं, जो मसल्स के साथ भी मोटर नर्व्स की हेल्प से कनेक्ट होती हैं। ये इस तरह से कनेक्ट होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ से ये सेंसरी नर्व्स है और यहाँ से ये मोटर नर्व्स है, यहाँ पर हमारा मसल है और यहाँ पर हमें कुछ हीट लगा, तो यहाँ पर हीट डिटेक्ट हुई, तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से होके तो यहाँ से डायरेक्टली मसल्स को इन्फॉर्म करता है और हमारा हैंड अप हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रेन का अभी कोई रोल नहीं रहता, ये डायरेक्ट सेंसरी नर्व्स से मोटर नर्व्स में आ जाता है, कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड पर। तो इसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसके बाद क्या होता है कि सच अ कनेक्शन ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल्स फ्रॉम द नर्व्स, यानी जो नर्व्स में इन्फॉर्मेशन आ जाती है और उसको डिटेक्ट करना उसको हम इनपुट कहते हैं, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन नर्व्स में आ गई एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट क्विकली, उस पर जल्दी से कोई रिस्पॉन्स आ जाए तो उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो उस दोनों को, यानी यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई और उस पर जल्दी उन पर इस पर रिएक्शन भी हुआ, तो जिसकी वजह से उस पर कोई एक्शन भी जल्दी हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन जनरेटेड इन स्पाइनल कॉर्ड, मैंने जैसे कि आपको बोला कि स्पाइनल कॉर्ड में जनरेट होता है, एंड द इंफॉर्मेशन आल्सो रीचेस ब्रेन, लेकिन वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भी पहुंचती है। यहाँ से हाथ से स्पाइनल कॉर्ड से ये वापस इन्फॉर्मेशन आई और हमारे मसल्स को इन्फॉर्म किया, हमारे मसल्स ने हैंड को ऊपर उठाया, हेड से बचा दिया, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से ये इन्फॉर्मेशन फिर ब्रेन तक भी जाती है, ये हमारा ब्रेन होगा, तो ब्रेन तक भी जाती है। जब ये ब्रेन तक जाती है, बोलता है एक्शन तो हो गया, लेकिन फिर ये जनरेट कहाँ के लिए होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक भी जाती है। दिस हेल्प्स द ब्रेन टू रिकॉर्ड दिस इवेंट एंड रिमेंबर इट फॉर फ्यूचर यूज़। तो ये क्या हेल्प करती है कि हमारे ब्रेन को, ब्रेन में क्या होता है इसमें, इससे कि ये रिकॉर्ड रहता है वहाँ पर और ये हमें, हमारा ब्रेन उसको याद रखता है फ्यूचर के लिए, यानी अगर बाद में भी कभी ऐसा ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमारा ब्रेन पहले से ही इसको याद करवाता है कि यहाँ पर आपको ऐसा इफेक्ट हो सकता है। तो ये क्या करता है, रिमेंबरिंग करता है, ठीक है। ब्रेन हेल्प्स द पर्सन टू गेट अवेयरनेस ऑफ द स्टिमुलस, यानी जो ये चेंज हुई थी जिससे पहले आपको कुछ क्विक एक्शन लेना पड़ा था, तो इससे ये इसको अवेयर करता है, खबरदार करता है कि इस यहाँ पर आपको ऐसा इफेक्ट हो सकता है, एंड प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन अगेन। तो इस तरह से हम फिर दूसरी बार उस वैसी सिचुएशन से अपने आप को बचा लेते हैं। तो ब्रेन का क्या रोल निकला कि जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि रिफ्लेक्स आर्क एक बनता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से ही मसल्स मूवमेंट के आने से मूवमेंट में आ जाते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, हमारा हैंड या जो भी पार्ट होगा वो बच जाता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक भी जाती है। उस टाइम तो ब्रेन उस पर सोच नहीं पाता है, तब तक एक्शन हुआ होता है, लेकिन बाद की बात है कि बाद में जो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिकॉर्ड रहती है, तो जब भी वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हमारा ब्रेन उसको रिमेंबर याद करवाता है और अवेयर करता है कि ऐसी सिचुएशन से तो बच जाए। तो इस तरह से हमारा ब्रेन का रोल रहता है रिफ्लेक्स आर्क में, यानी बाकी रिफ्लेक्स एक्शन में, ताकि फ्यूचर में वो उसी सिचुएशन से बच पाए। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आई होप आपको थोड़ा बहुत इसकी कोई समझ आ गई होगी।
बाकी भी 4 क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में हैं, उनके इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने रखे हुए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन इसी तरह से मिलता रहे। थैंक यू।